प्यार बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर सह कुशल होंगे और इस वर्ष से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो लास्ट जो पीरियड लिया था उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने के लिए कहा था। ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपके A4 शीट्स में आपने तैयार करना है, अपना एक फोल्डर तैयार करना है जिसका टॉपिक मैंने सिविल राइट कोल्ड वार दिया था। उस कोल्ड वार के बारे में मैंने टॉपिक्स भी आप लोगों को दिए थे कि उन्हीं टॉपिक्स पर आपने लिखना है। उसके अंदर इंट्रोडक्शन है और कोल्ड वार किन कारणों से शुरू हुआ और ऐसे कौन कौन से इवेंट्स या एग्रीमेंट या सबमिट हुए थे जिसके कारण से कोल्ड वार की समाप्ति हुई और उनमें से कुछ समिट या कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किन किन के बारे में आपने लिखना है और उसके लास्ट के अंदर आपने कंक्लूजन देना, निष्कर्ष देना है। बेटा ये जो प्रैक्टिकल की जो फाइल जो हम आपको आपसे तैयार करवा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चों को ये तैयार करनी है। यदि किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरे नंबर आप लोगों के पास है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं अभी प्लस टू क्लास के जिन्होंने अभी तक कोई क्वेश्चंस मेरे से पुटअप नहीं किया है कि किस तरह से हमने अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो तैयार करनी है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल आए हैं, काफ़ी बच्चों के पास प्रॉब्लम थी, मैंने उनको सॉर्ट आउट किया है कि किस तरह से अपनी प्रोजेक्ट फाइल आपने तैयार करनी है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक इसके बारे में पूछा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचर्स के द्वारा जो वर्क दिया जा रहा है उन पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। बार बार आपसे घर पर हम कॉल कर रहे हैं कि जो भी टीचर्स के द्वारा जो वर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से करें। मैं आज फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों ये वर्क आप कर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये आपके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो प्रैक्टिकल का जो वर्क है वो मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि ये एक्सटर्नल आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लेने आएगा जिसमें 20 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल होगा जो आपके बेटर रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों इस प्रोजेक्ट फाइल को आपने तैयार करना है। आज जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैप्स वर्क है। ये मैप वर्क भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। सभी बच्चों को मैप फिल करना आना चाहिए कि किस तरह से मैप आपको करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको 3 मैप्स दे रहा हूँ, उन 3 मैप के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ये 3 मैप्स इंडिया के मैप होंगे, इंडिया के मैप में ही आपने इन सबको मार्क्स करना है। और क्वेश्चन किस तरह से, पहला जो मैप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपने करना है उसमें पहले क्वेश्चन है इंडिया फॉर्ट ए वार विद दिस कंट्री 1965 एंड 1971। आपने पहला जो लोकेट करना है वो प्लेस जो लोकेट करना है वो कौन सा है कि 1965 और 1971 के अंदर भारत के साथ किस देश का युद्ध हुआ, उस देश के बारे में आपने बताना है कि भारत के साथ 1965 और 71 में कौन से देश ने युद्ध किया, वो देश का नाम आपने भरना है, उसको मैप में भरना है। इंडिया फॉट ए वार विद दिस कंट्री इन 1962, उस देश का भी नाम बताना है जिसने 1962 में भारत के साथ युद्ध किया, वो दूसरा क्वेश्चन है। दिस कंट्री, तीसरा क्वेश्चन है दिस कंट्री गोट इंडिपेंडेंस इन 1971। तीसरा जो क्वेश्चन है जो आपने मैप में भरना है वो कि 1971 के अंदर कौन से देश को आजादी मिली। अब ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो भारत का मैप दिया है, लेकिन बेटे आपका तो तीसरा जो मैप होगा वो मैं यही बता रहा हूँ कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वो भी मैप आपको दूंगा, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है वो भी आपसे मैं तीसरे मैप के अंदर दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहले आपको नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए, जिन देशों ने हमारे देश के ऊपर हमला किया या युद्ध किया है, आक्रमण किया है। तो जो पहला क्वेश्चन था वो 1965-1971 से रिलेटेड है, दूसरा 1962 से कि 1962 के अंदर कौन से देश के साथ युद्ध हुआ और 1971 में कौन से देश को आजादी मिली, स्वतंत्र हुआ।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इंडिया कंडक्ट इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। आपको सभी को पता है कि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1974 में हुआ था, दूसरा जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो 1998 में हुआ था। तो कौन से स्टेट में हुआ, कौन से राज्य के अंदर वो परमाणु परीक्षण किया गया, उस राज्य के बारे में आपने लिखना है, उसमें भरना है। पांचवा क्वेश्चन है, दलाई लामा हैज मेड दिस स्टेट हिज रेजिडेंस इन 1998। आपको जैसे पता है कि चाइना के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण कर दिया गया था, उस कारण से वहां के जो पारंपरिक नेता थे दलाई लामा, वो तिब्बत को छोड़कर भारत में आ गए थे। तो भारत में ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने 1998 में दलाई लामा को शरण दिया, अपना दलाई लामा ने अपना रेजिडेंस बनाया, अपना निवास स्थान बनाया 1998 के अंदर, वो स्टेट के बारे में आपने बताना है। सेकंड जो मैप में आपने करना है, ये पांच क्वेश्चन तो पहले मैप में करना है, दूसरा जो मैप होगा वो भी आपका मैप ऑफ इंडिया होगा, भारत का ही होगा। उसमें जो क्वेश्चन है, द स्टेट रिलेटेड टू 1968-71 कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा, आपको ये बताना है कि 1968 से 1971 के बीच में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, उसका स्टेट कौन सा था, ये एस निजलिंगप्पा कौन से स्टेट से रिलेटेड थे, उस स्टेट के बारे में आपने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर प्रेसिडेंट वीवी गिरी। अब आपको पता है कि हमारे जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड थे, उस स्टेट को भरना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। अब अगला स्टेट वो भरना है जो किससे रिलेटेड है, कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड है, जिसने क्या किया, वो इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया, लागू करवाया, वो कर्पूरी ठाकुर कौन से स्टेट से रिलेटेड है, उस स्टेट को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज। अब आपने उस स्टेट के बारे में बताना है जो के कामराज से संबंधित है, के कामराज कौन से स्टेट से रिलेटेड थे, जिसने क्या काम किया था, हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट। के कामराज ने क्या काम किया था कि विद्यालय के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम शुरू करवाया था, उस के कामराज से रिलेटेड स्टेट कौन सा है। तो द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज, हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न के भोजन का जो कार्यक्रम था वो लागू करवाया, वो केम के कामराज ने, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड थे। इसका लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का, द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया। अब समाजवादी जो नेता है या थिंकर है राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड कौन सा स्टेट था, उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा एक मैप आपने लेना है, वो तीसरे मैप में सारे के सारे क्वेश्चन जो आप इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड होंगे, पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी देशों को आपने फिल करना कि कौन सा देश कहां पर है, ये और इन्हीं देशों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी है जो आपको बताया था 1965-71 से रिलेटेड कौन कौन से कंट्री है। तो आपने कंट्री नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया तीसरा मैप आपने वो करना है। तो आज हम आपको ये तीन मैप्स दे रहे हैं, इन तीन मैप्स को आपने अच्छी तरह से करना है और इनको फिल करके मेरे पास वापस भेजने हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। थैंक यू। तीसरा जो मैप का वर्क होगा आपके लिए वो होगा इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपने बताना है। इसमें इंडिया का मैप आपने लेना है और इंडिया के मैप में ही आपको पता लगेगा कि नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, म्यांमार और पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर है, और चाइना के बारे में भी आपने बताना है। तो ये इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज है, भारत के पड़ोसी देश है, इन्हीं पड़ोसी देशों को आपने मैप के अंदर भरना, जो आपके तीसरा क्वेश्चन होगा मैप वर्क का। तो इसमें आपको नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, फोर्थ चाइना, पांचवा आपका श्रीलंका, छठा म्यांमार और सातवां पाकिस्तान, इन सात देशों को इंडिया के मैप में आपने भरना है और इन तीनों मैप को करके आपने मेरे पास भेजना है। और ये प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैप बड़े इम्पोर्टेंट्स है, ये 5-7 मार्क्स के मैप आपके मेन एग्जाम में आते हैं। मैप को आपने अच्छी तरह से करना है, ये
मैथ भी आपके बेटर रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मैप मैं आपको दे रहा हूँ, घर पर बैठकर उसको अच्छी तरह से कीजिए और जो वर्क दिया गया है उसको मेरे पास वापस सेंड अवश्य करें। थैंक यू।